हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे। स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास है किसी भी लेवल पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजिलॉन लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों तीन ऐसे स्टॉक के बारे में बात करें जो कि एकदम ब्रेकआउट के करीब है। अगर वो इस लेवल को सस्टेन कर ले तो आपको एक गज़ब के या फिर एक ऑल टाइम हाई भी आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। उसमें से पहला स्टॉक की अगर बात करें तो एंजिलॉन लिमिटेड। अगर हम आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो 202% की तेज़ी, पिछले एक मंथ की तो 30%, और अगर हम पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें 36-37% के आसपास की रिटर्न। लेकिन मैं यहाँ से बात करूँ, अगर आप निचले स्तर से देखोगे तो आपको 70% से ज़्यादा स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ, अच्छे स्टॉक को अगर आप अच्छे लेवल पर खरीदोगे तो जितना आप सोच रहे हो कि आपको 5 साल में मिलना चाहिए उतना आपको 1 साल में ये बना के दे देगा। अगर आप इस लेवल से इस लेवल तक स्टॉक की रिटर्न को कैलकुलेट करोगे तो आपको 70% प्लस स्टॉक में आपको रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा सिर्फ विद इन कुछ मंथ के अंदर। इन स्टॉक की अगर बात करें, जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट दिया, आप जिस तरह से स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिले, तो चांसेस है ये जो जिस लेवल पे इसने आज के दिन क्लोजिंग दिया जो कि आप देख पाएंगे 1700 के लेवल, अगर इस लेवल को वो सस्टेन रख लेता है जो कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, तो नो डाउट इसके जो 2000 के लेवल है, 2020 के आसपास एक टॉप लेवल है, एक इसको भी ब्रेक करके एक ऑल टाइम हाई आपको ये ज़रूर दिखा सकता है। क्योंकि कंपनी की अगर बात करें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ही, लगातार कंपनी कंसिस्टेंसी अच्छे नंबर दिखा रहे हैं। साथ साथ कल के दिन आपने एक न्यूज़ भी देखा होगा कि 29 जून को जो ICICI सिक्योरिटी है जो कि ब्रोकरेज इंडस्ट्री की नंबर वन कंपनी है लिस्टिंग के हिसाब से, ऑब्वियसली जीरो था तो है नहीं, तो लिस्टिंग के हिसाब से बात करें तो ICICI सिक्योरिटी, तो वो अगर आउट हो जाता है तो उसके बाद एंजिलॉन का नंबर ही हमें देखने को मिल जाता है। सबके फोकस दोस्तों एंजिलॉन के ऊपर चला जाएगा, तो उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट करते थे ICICI सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि वो एक नंबर वन कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो सारे फोकस अब नंबर वन पर चले जाएंगे, जो कि नंबर वन दोस्तों एंजिलॉन भी आपको देखने को मिल सकता है अगर ICICI सिक्योरिटी डीलिस्टिंग हो जाती है तो नो डाउट। अगर वैसे भी होता भी नहीं तब भी कोई फर्क नहीं है, कंपनी आने वाले टाइम में एक लीडिंग कंपनी आपको ज़रूर बनते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी की अगर बात करें, अगर इस लेवल को वो सस्टेन कर ले तो नो डाउट एक ऑल टाइम हाई आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास है तो प्लीज़ होल्ड करके चलना। अभी तक अगर आप होल्ड कर रहे हो तो अगर आपने नो लेवल पे स्टॉक को एवरेज किया तो ऑब्वियसली आपके एवरेज पाइंग और भी नीचे आ गया होगा और आपको प्रॉफिट बनना शुरू हो गया होगा। लेकिन अभी तक अगर आपने एवरेज नहीं किया या फिर एवरेज करने के आपके पास कैपिटल नहीं है, जितनी भी है प्लीज़ होल्ड एंड कंटिन्यू। चांसेस है कंपनी इस बार ही ये नंबर आने से पहले हो सकता है ये ब्रेकआउट दे दे, या फिर अगर नंबर अच्छे आ जाए जो चांसेस तो पूरे हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक और शानदार ब्रेकआउट या एक ऑल टाइम हाई आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रूट मोबाइल लिमिटेड। अगर हम रूट मोबाइल की बात करें तो इन स्टॉक में भी 1250 के लेवल से जो कमबैक दिखाया है और वो कमबैक 1600 के ऊपर जाके हमें सस्टेन करते हुए देखने को मिला, और जब भी कोई स्टॉक कमबैक करने के बाद एक अच्छे खासे सपोर्ट को अचीव करने के बाद जब वो एक पैटर्न में ट्रेड करता है तो आगे के रैली के लिए वो अच्छे माना जाता है। तो अगर इस लेवल को वो सस्टेन कर ले तो नो डाउट उसके बाद 1750 और उसके बाद आपको इजीली ये 2000 का टारगेट। और मुझे ऐसा लगता है कि रूट मोबाइल ऐसा स्टॉक है जो कि एटलीस्ट 2000 के ऊपर होना चाहिए। जिस हिसाब से कंपनी के क्वार्टरली बेसिस नंबर देख लो, ईयरली बेसिस नंबर को देख लो, EPS जिस कंसिस्टेंसी कंपनी के प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं, कंपनी के नंबर ग्रो हो रहे हैं, उस हिसाब से कंपनी स्टॉक प्राइस को अभी तक रिस्पेक्ट या फिर एप्रिसिएशन नहीं मिला। लेकिन अच्छी कंपनी जो होता है अगर आप होल्ड करोगे तो उसमें रिटर्न बनना तो तय है। तो अच्छी कंपनी है अगर वो इस लेवल को होल्ड कर ले तो एक शानदार ब्रेकआउट यानी कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी आप ज़रूर देख सकते हो। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें ये और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग स्टॉक है, चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो। पूरे 7 साल के ब्रेकआउट, 7-8 साल के ब्रेकआउट के करीब ये स्टॉक हमें आते हुए देखने को मिले। ये स्टॉक लगभग एग्जैक्टली 600 के आसपास आए थे और ये स्टॉक अभी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर वो इस लेवल को ब्रेक कर दे दोस्तों तो ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हैं, मल्टी ईयर मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 7-8 साल के जो ब्रेकआउट होते हैं मल्टी ईयर, जो भी इस लेवल को ब्रेकआउट कर देते हैं तो ऑब्वियसली उसके बाद आपको पता है 600-1000 भी तक स्टॉक आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो अच्छी कंपनी डेफिनेटली होल्ड करके चलना। सो इतना ही, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो।